अति विचार करना या नेगेटिव विचार करने से कैसे बचे, इसके बारे में लोग पूछते रहते हैं, तो उसके बारे में मैं आज बातचीत करूंगा। अति विचार से क्या होता है कि हम उसमें लगे रहते हैं, वही विचार बार बार आते रहता है। यदि हम अंदर घुस गए दिमाग में तो फिर वर्तमान में कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है, क्या कर रहे उसमें ख्याल नहीं रहता है, तो फिर प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, उत्पादन क्षमता कम रहती है, फिर याददाश्त कम हो जाती है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स अति विचार के हैं। अब उसके लिए क्या करना है कि भाई दिमाग अपना शांत रहे, विचार कम आए। तो नंबर एक, आप किसी के साथ में तुलना मत करो। तुलना ये अपना बहुत बड़ा दुश्मन है। क्या होता है कि हम अपने से बड़े लोग हैं उनके साथ में तुलना करते हैं, अपने बराबरी के लोग हैं उनके साथ में भी तुलना करते हैं, और उसमें दुखी हो जाते हैं। अपने साथ का एकाधा व्यक्ति जो थे अपने बराबरी में सीखा हुआ है, अपने साथ था वो एकदम अच्छे लेवल पे चले गया, तो अपने को बुरा लगता है, जिलसी होती है, नफरत हो जाती है, तो फिर इससे बहुत बड़े विचार आना चालू हो रहता है। तो कभी भी कंपेयर मत करो, किसी के साथ में कंपेयर मत करो। कंपेयर ही करना है तो अपने आप से कंपेयर करो कि मेरा पास क्या था, मैंने इतना इतना पास में किया था, मेरी कमाई पास में थी 1,00,000 रुपये महीना, अभी मैं 1,10,000 कैसे कमाऊँ, वो विचार करो। अपने साथ कंपेरिजन करो, अपने रिकॉर्ड्स जो है वो बीट करो, तो उससे विचार कम हो जाएंगे। नंबर दो, अंतर्मन को सुनो। क्या होता है, बहुत बार अपने अंतर्मन की आवाज़ चालू रहती है, कभी कभी इतना बिलीफ रहता है वो अच्छा रहता है, वो बोलता है अंदर से अपने को नहीं जमेगा नहीं, एक अपना अपन बोलते ना उसको कभी कभी सिक्स सेंस, या ऐसा अंदर से लगता है कि नहीं करना चाहिए मैंने, वो मत करो। क्योंकि क्या है कि सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है कि उसने एखादी बात पक्की कर ली है तो अपनी एक्शंस है ना वहाँ वो उस तरफ लेके जाएगा सबकॉन्शियस माइंड, फिर आप कॉन्शियस माइंड से कितना भी चाहोगे तो भी होगा नहीं। इसलिए सबकॉन्शियस माइंड को सुनो या सबकॉन्शियस माइंड को फिर अफर्मेशन देके बदलो यदि आपको नहीं चाहिए तो ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है कि भूतकाल में अतीत में जो भी हुआ है उसके ऊपर ज़्यादा दिमाग मत डालो। देखो भूतकाल में जो हुआ है उससे हमको तकलीफ कभी नहीं होती, क्योंकि जो हुआ है वो हुआ है, साल भर पहले हुआ, 2 साल पहले हुआ, 6 महीने पहले हुआ, वो हुआ है, अभी हो रहा है वो, अभी नहीं हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, अभी उसके बारे में जो इमोशंस अटैच्ड है वो हमको तकलीफ दे रहे हैं, उसका मैंने जो इंटरप्रिटेशन किया था, उसका जो मीनिंग लगाया था वो मुझे अभी आज तकलीफ दे रहा है। जो हुआ वो कभी तकलीफ देता ही नहीं है, उसका मीनिंग, उसका इंटरप्रिटेशन, उसका मतलब, उसके साथ के इमोशंस, वो तकलीफ आपको देते हैं, तो उसको अलग करो। वो देखो कि भाई ये मैंने मीनिंग देके रखा है जो अतीत में है, उसको अतीत में हुआ है उसको, क्या मैं उसको अच्छा मीनिंग दे सकता हूँ, नकारात्मक के बदले सकारात्मक मीनिंग दे सकता हूँ। समझो एखादी बार असफलता मिली, ठीक है असफलता मिली है, मैं बोल सकता हूँ कि सीखने का मौका मुझे मिला है, बोल सकता हूँ, चॉइस आपका है। तो भूतकाल को मत बदलो, भूतकाल में जो हुआ है वो हुआ है, उसका स्वीकार करो, उसका जो प्रभाव है उसको काट डालो, उसको कम करो। नंबर चार, कुछ ना कुछ नया सीखते जाओ। जब आप कोई हॉबी अपनी तैयार करते हैं, कुछ नया सीखते जाते हैं, कोई भाषा सीखते हैं, कंप्यूटर के प्रोग्राम सीखते हैं, तो जैसे जैसे आप नए नए सीखते जाते हो वैसा वैसा आपको अच्छा लगता है और आपके विचार कम हो जाएंगे। नंबर पाँच, शेयरिंग करो लोगों के साथ में, कि अपने मन की बात यदि अपने क्लोज फ्रेंड्स है, बहुत ही क्लोज रिलेटिव है जिसके साथ में आप शेयर कर सकते हैं, अपने मन की बात बता सकते हैं, इमोशंस अपने हल्के कर सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब हमारे मन में बात दबी दबी रहती है, सप्रेस रहती है, तो वो कभी ना कभी उसका विस्फोट हो जाता है। तो हरदम शेयरिंग करते जाओ, आपको हरदम एक या दो अच्छे फ्रेंड होना चाहिए, एकदम क्लोज फ्रेंड, रिलेटिव में से भी वो हो सकते हैं कि जिनके पास में आप अपने मन की बात रखेंगे, शेयर करेंगे, और वो कहीं बाहर बोलेंगे नहीं, ऐसा आदमी होना। नंबर छः, डायरी लिखना चालू करो। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें रहती है, बहुत कन्फ्यूजन होता है, बहुत विचार आते हैं, आप यदि डायरी लिखते हैं और मन की बात डायरी में उतारते हैं तो मन हल्का हो जाएगा और आपको दिखेगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, इमोशंस नहीं रहेंगे डायरी में, इमोशंस नहीं रहते, तो क्या घट रहा है वो आपको दिखेगा, उसका प्रभाव आपके दिमाग के ऊपर कम हो जाएगा। नंबर सात, छोड़ दो। लोग आपके साथ में बहुत अलग व्यवहार करते हैं, कोई आपका नुकसान भी करता है, कोई आपको कुछ कॉमेंट करेगा, कोई आपको दुखी करेगा, कोई आपको मारेगा पीटेगा, जो भी कुछ करना है करेगा, मगर आप वो पकड़ के बैठेंगे कि मैं इसका बदला लूंगा, खुन्नस रखेंगे, नहीं मैं इसका बदला लूंगा, बताऊंगा उसको, उसमें अपना दिमाग बहुत जाता है। इसके बदले आप छोड़ दो लोगों को, लेट गो करो। माफी मांगना है माफी मांग लो, यदि अपनी गलती है तो, माफ करना है तो सामने वाली गलती उसको माफ करना है तो माफ कर डालो, अपने मन में ही करो, उसके बाद जाके माफ करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो वो और झगड़ा करना चालू हो जाएगा। माफ अपने मन में करना है, ठीक है यार छोड़ दिया, माफ कर दिया। माफी मांगना है तो जाके माफी मांग लो,
तो उससे आपका दिमाग शांत हो जाएगा। नंबर 8, सेल्फ हिप्नोसिस करो, खुद स्व सम्मोहन करते हैं तो आपका दिमाग बहुत शांत हो जाएगा। मेरे अफर्मेशंस के काफ़ी सारे वीडियोस है, वो सुनो, सोने के समय सुनो, सुबह उठते उठते सुनो। आप अपने अंतर मन को यदि शांत रखते हैं, पॉजिटिव रखते हैं, इंस्पायर्ड रखते हैं, तो आपके विचार नेचुरली कम हो जाएंगे, बुरे विचार नहीं आएंगे या नकारात्मक विचार नहीं आएंगे। मैं जो बोल रहा हूँ ये करते हैं तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। ये वीडियो आप लोगों को शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।